हमारे टीवी 11 न्यूज चैनल के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए। आदाब नाज़रीन, टीवी 11 के उर्दू खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद हबीब। हैदराबाद का जाना माना मशहूर और मारूफ कदीम उस्मानिया सरकारी दवाखाने की हालत मरीजों से भी बदतर बन गई है। जहर इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाने को बल्कि शहर हैदराबाद सिकंदराबाद नहीं, लोग दूर दूर से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की रियासत से जहर इलाज के लिए आते हैं। इस उस्मानिया दवाखाने की पहचान तो वो है कि इस उस्मानिया दवाखाने में बल्कि हैदराबाद सिकंदराबाद नहीं, हाईवे रोडों पर जितने भी हादसे होते हैं ऐसे केसेसों को जहर इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाने को लाया जाता है। मगर आजकल उस्मानिया दवाखाने की हालत तो मरीजों से भी बदतर बन गई है। जहर इलाज के लिए आने वाले मरीजों को और उनके साथ में खिदमत करने वाले अटेंडरों को जगह जगह पर मुसीबत और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उस्मानिया सरकारी दवाखाने में जहां बोले वहां पर गंदगी। एक तरफ तेलंगाना रियासत की हुकूमत हो या फिर सेंट्रल हुकूमत हो, स्वच्छ भारत के नाम से साफ सफाई करती है, मगर ऐसा महसूस होता है जितनी साफ सफाई करती है उसकी पूरी गंदगी ये सरकारी उस्मानिया दवाखाने में ही नजर आती है। इस उस्मानिया दवाखाने में कई बड़े बड़े सियासतदान और कई बड़े बड़े आला अफिसर आते हैं जाते हैं। जहर इलाज के लिए कई पेशेंट्स भी वहां पर रहते हैं, मगर गंदगी तो इतनी है कि लोग आते जाते देख कर भी उसे नजरअंदाज कर देते हैं। बहरहाल गंदगी की वजह से उस्मानिया दवाखाने में जहर इलाज को आने वाले मरीजों को जगह जगह पर मुसीबत और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कम से कम तेलंगाना रियासत की हुकूमत के साथ साथ उस्मानिया दवाखाने के सुपरिटेंडेंट RMO इस चीज पे तवज्जो रखे कि सरकारी उस्मानिया दवाखाने का नाम जो एक जमाने से मशहूर और मारूफ है उसी तरह से बरकरार रखना है तो उस्मानिया हॉस्पिटल की गंदगी को सबसे पहले साफ करना चाहिए और तेलंगाना रियासत की हुकूमत को स्वच्छ भारत सबसे पहले करना ही है, उतना पहले अव्वल दर्जे पे तो उस्मानिया सरकारी दवाखाने में अहम जरूरत है, क्योंकि उस्मानिया सरकारी दवाखाने में कदम कदम पर गंदगी उसका इस्तकबाल करती है। उस्मानिया सरकारी दवाखाने का यह हाल है तो हैदराबाद का जाना माना मशहूर बच्चों का दवाखाना जिसे नीलोफोर दवाखाना कहा जाता है उसकी भी हालत मरीजों से भी बदतर बन गई है। जहर इलाज के लिए आने वाले मासूम बच्चे कई फौत होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ उनके माँ बाप और उनको देखने वाले अटेंडर्स को भी जगह जगह पर मुसीबत और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पीने की पानी की वहां पर इंतजाम नहीं, दूसरी जगह जहां बोले वहां पर कचरा ही कचरा इस्तेमाल करता है। जहां पर सेहत तंदुरुस्त करने के लिए मासूम बच्चों को लाया जाता है नीलोफर दवाखाने में, वहीं गंदगी जगह जगह पर उनका इस्तेमाल करती है। गंदगी नहीं बल्कि बीमारी भी वहां पर इस्तेमाल करती है। यहां पर भी बड़े बड़े वजीर आते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर CM तक आते हैं और सरकारी मुलाजिम के बड़े बड़े आला ऑफिसर्स आते हैं, मगर इस गंदगी को नजरअंदाज किया जा रहा है। कम से कम तेलंगाना रियासत के हुकूमत के आला ऑफिसर फौरी उस्मानिया और नीलोफर दवाखाने की गंदगी को खत्म कर वहां की आवाम को जो जहर इलाज आ रही है उन्हें महफूज रखे। हमारे नुमाइंदे यूसुफ दानिश की ये खुसूसी रिपोर्ट। మా టీవీ 11 న్యూస్ ఛానల్ వీడియోస్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి. नाज़रीन, ये थे आज के खबरें और तेलुगु उर्दू खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खबरों के साथ साथ आप देखते रहे एंटरटेनमेंट शो पॉलिटिकल पंच, क्राइम न्यूज और आवाम के मसाइल के ऊपर खुसूसी प्रोग्राम। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम।
और इस चैनल को टीवी के साथ साथ दुनिया के कहीं भी कोने से कभी भी आप लॉगिन हो सकते हैं लाइव में www.tv11live.com और यूट्यूब पर जाकर TV11 न्यूज एंटर करिए और रिकॉर्डिंग प्रोग्राम देखिए। तो नाज़रीन, मैं हूं सैयद हबीब, अब मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।